नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आप सभी की परेशानियों से बचने के कुछ खास और आसान से टिप्स आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का है बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें कॉल करना होगा, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए। गुलाब टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक महामंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बिजनेस में फायदा होने के पूरे योग हैं। हो सकता है कि आज किए गए जो भी एग्रीमेंट हैं या जो वादे हैं वो लंबे समय तक चले। नई नौकरी की शुरुआत करने के लिए आज का दिन अच्छा कहा जा सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरी सब्जी और रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सितारों की जो पोजीशन है वो ठीक ठाक रहने वाली है। कोई पुराना काम अगर है तो उसे निपटाने में आज कोई बुराई नहीं है। सेहत से जुड़ी परेशानियां कुछ कम होने की संभावना है। नए लोगों से मुलाकात के योग बन सकते हैं, नए अनुभव हो सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई भी बात कहने, सुनने और रखने के पहले अच्छे से सोच विचार कर लीजिएगा। और कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन यदि आज आप करना चाहते हैं तो उस सेक्टर का जो भी अनुभवी पर्सन है उससे सलाह जरूर ले लीजिएगा। आने वाले दिनों में करने वाले कामों की योजना भी अच्छे से बना लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी माता में जल का प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़ी हैं बीकानेर से, बिंदु जी हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 9/11/1977 और जन्म का समय है शाम का 4:15 का। बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए, प्रश्न पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि ये मेरा बेटा है जो ठेकेदारी करता है, ठेके लेता है, तो अभी इसका काम है जो बहुत मंदा चल रहा है, तो इसके काम में क्या है, रुकावट का क्या है? देखिए बिंदु जी, आपके जो पुत्र हैं उनको सबसे बड़ी बात तो यह है कि मई 2016 से शनि की महादशा शुरू हुई है 19 साल की, 2035 तक चलेगी, 2016 से शुरू हुई है और उसमें भी शनि की महादशा, शनि का अंतर चल रहा है 2019 तक, मई 2019 तक शनि की महादशा, शनि का अंतर। कभी भी कोई भी दशा अपनी अंतर दशा में शुभ परिणाम नहीं देती। राहु में राहु, गुरु में गुरु, शुक्र में शुक्र, केतु में केतु, उसी तरीके से शनि की मा दशा में, शनि के अंतर में शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। वैसे भी आपका जो बच्चा है उसकी जन्म कुंडली के अंदर जो शनि है वो लाभ स्थान का और 12वें स्थान का मालिक होकर शत्रु घर में बैठा है। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ समय से इस बच्चे के जीवन में जो व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव आ रही है उससे इसको सावधान रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर में नहीं पड़ना है। अपमान, अपयश, पैसों का लेन देन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से दूर रहना है।
और समय जो अच्छा शुरू होगा वो 2019 से होगा। उससे पहले शनि को ठीक करने के लिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण कर लें। शनि जब भी चढ़ता है तो सिर से चढ़ता है, बहुत भारी मानसिक परेशानियां लेके आता है, तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण करें। छल्ला ऐसा जो खुला हुआ नहीं हो, बंद हो, और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपने चेहरे की परछाई डालें, फिर उस तेल को एक मिट्टी के दीपक में डाल के लंबी बत्ती बना के शनिवार के दिन उपाय करना है, जला दें। इस उपाय से काफी फायदा होगा। तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिससे आप बहुत समय से काफी परेशान हैं, जिसका समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए बीकानेर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी हैं, पुत्र मयंक के लिए जानना चाहते हैं। मयंक के जन्म की तारीख है 10/1/1994 और जन्म का समय है 3:20 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बेटे की शादी के बारे में पूछना है। एक तो उसकी शादी कब होगी और कैसा परिवार और लड़की मिलेगी और शादी कितनी फलदायक रहेगी? देखिए राजेंद्र जी, बच्चे को अभी शुक्र की मार्गदशा बुध का अंतर चल रहा है और 18 जनवरी 2018 से शुक्र की मार्गदशा बुध का अंतर, उसमें भी शुक्र का प्रत्यंतर शुरू होगा, 10 जुलाई 2018 तक चलेगा। इसका मतलब यह है कि 18 जुलाई से 10 जुलाई 2018 के मध्य में इसके विवाह तय होने की पूरी पूरी उम्मीद है। बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है नीच का है, भाग्य स्थान का मालिक चंद्रमा नीच का है, शनि के 7.5 में से बच्चा गुजर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इसके दाम्पत्य घर का जो स्वामी, जब भी आप इसका विवाह करें कुंडली मिलान करके करिएगा, क्योंकि इसके सप्तम भाव में केतु बैठा है दाम्पत्य घर में, पत्नी के घर में, और वहाँ का जो मालिक है शुक्र, वो अस्त, अस्त मतलब आप समझते हैं गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है, सूर्य भगवान जैसे अस्त होते हैं, तो उसी तरीके से इसका दाम्पत्य घर का स्वामी शुक्र अस्त होकर बैठा और वहां पे केतु बैठ गया। केतु का काम है फ्लक्चुएट करना, तो कुंडली कहती है कि इसके साथ में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहने की संभावना है। तो जब भी आप इस बच्चे की शादी का कोई प्रपोजल आए तो अच्छे विद्वान के द्वारा आपको कुंडली मैच अवश्य करवानी है, ढंग से उसके ग्रहों का मिलान करना है। उस बच्चे की कुंडली में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रूप से देखनी है, संतान सुख देखना है, पत्नी और आयु सुख देखना है, और उसका लड़की का पक फेरा और पति के साथ अंडरस्टैंडिंग, अच्छे ग्रहों वाली लड़की लानी है, इसके बाद का ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ अच्छा है। चूँकि शनि की 7.5 का थोड़ा असर कम हुआ है तो आने वाला समय इस बच्चे के लिए शुभ रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए बीकानेर से एक और दर्शक जुड़े हैं, अनिल जी हैं, अपनी बहन पूनम के लिए जानना चाहते हैं। पूनम जी की जन्म की तारीख है 20/6/1980 और जन्म का समय है 9:10 का। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मेरी बहन की लिए पूछना था, उसकी शादी को 13 साल हो गए हैं, बच्चे बड़े बीमार रहते हैं और वो बहुत डिप्रेशन में रहती है इस वजह से। डिप्रेशन में कौन रहती है? दीदी, बच्चे उनके बीमार रहते हैं। बच्चे बीमार रहते हैं इनके? हाँ, बहुत बहुत मतलब बर्बाद हो गए हैं पैसे लगा लगा के बच्चों में। तो वो बच्चों की डिटेल्स नहीं दी आपने, अगर वो देते तो थोड़ा अच्छा रहता। चलिए, और सिस्टर को क्या प्रॉब्लम है? सिस्टर भी मतलब इस चक्कर में ही डिप्रेशन में रहती है बहुत, कि बच्चे कब ठीक होंगे, क्या होगा, भूल जाती है कई चीजें। देखिए अनिल जी, आपकी जो सिस्टर है, बहन है आपकी, सबसे पहली चीज तो यह है कि उनको 18 साल की राहु की मार्गदशा खत्म हो चुकी। सन 2016 से पहले 18 साल की राहु की मार्गदशा चल रही थी, इनके जीवन का सबसे खराब दौर। अब गुरु की मार्गदशा शुरू हुई है, गुरु इनकी जन्म कुंडली के अंदर 16 साल की जो गुरु की मार्गदशा है वो इनके जीवन का अच्छा समय शुरू हुआ है। लेकिन अच्छा समय अगले साल अक्टूबर 2018 से दिखाई देगा, अगले साल अक्टूबर 2018 से इनके जीवन का अच्छा समय दिखाई देने लगेगा। अब इस कुंडली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम यह है कि इनके अष्टम भाव में, आपकी सिस्टर के अष्टम भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। शनि मंगल की युति बहुत स्ट्रांग मांगलिक है, बहुत भारी मांगलिक है आपकी बहन, और शनि मंगल दोनों एक साथ एक ही घर में बैठ जाएं तो बड़ी टिपिकल पोजीशन बना देते हैं, तूफान लेके आ जाते हैं लोगों के जीवन के अंदर।
आप यूं समझिए एक कमरा है, उस कमरे में शनि की एनर्जी भी है और मंगल की भी एनर्जी है, दो एनर्जी क्लब हो गई, एक साथ में मिल गई। तो जब दो एनर्जी एक साथ मिल जाती तो वह एटम बम बन जाती। तो इनकी जो इतनी हैवी एनर्जी है, शनि मंगल की जो हैवीनेस है, उसका असर दाम्पत्य जीवन पे, शरीर पे, बच्चों पे, सब पे पड़ता है। तो आप सबसे पहला जो काम करना है, वहाँ बीकानेर में योग्य आचार्य से, विद्वान से बात कर लें और शनि मंगल की शांति करवाइए। अपने यहाँ खेजड़ी का पेड़ होता है, खेजड़ी के पेड़ के दंड यानी उसकी लकड़ी के समक्ष या खेजड़ी के पेड़ के नीचे ग्रहों की शांति हवन यज्ञ, इसका विधान से आप करवाइए, ताकि बच्ची की, आपकी जो सिस्टर है, उसकी लाइफ के अंदर जो हर्डल्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो खत्म हो और उसके जीवन में उसको सुखद परिणाम प्राप्त हो। सबसे पहला काम तो ये करना है। जो बच्चे बीमार रहते हैं, उन बच्चों के वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर जाकर तुरंत प्रभाव से करें, और आपकी सिस्टर के भी वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में जाकर तुरंत प्रभाव से करें, और अगले ही कुछ दिनों के अंदर चमत्कार देखिए। तो अनिल जी, पंडित जी द्वारा बताए गए आसान से उपाय कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपकी बहन के जीवन में जल्दी स्थिरता आएगी। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आगे की राशियों के बारे में, जो कि है कर्क सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि की बात करते हैं। आज अपने कामकाज पर, रोजगार पर ध्यान दीजिएगा, काम का तरीका बदलने के बारे में आज आप विचार कर सकते हैं। कोई समस्या आने पर समझौता करने और बीच का रास्ता निकालने में संकोच मत करिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा, और आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जला के पाठ कीजिएगा। अगली जो राशि, सिंह राशि, आज कोई नया काम हाथ में लेने से पहले पुराना काम फिनिश करने का प्रयास कीजिएगा। बिजनेस कार्य क्षेत्र में नपातुला व्यवहार करना चाहिए, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बड़ा निवेश नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, उसके ऊपर चंदन का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि, आज खुद के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू। कोई नई प्लानिंग आज आपके सामने आ सकती है, जो आपकी मौजूदा काम की तुलना में ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। मन खुला रखें, उलझन से बचें। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त उतरा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।